लगेगी और जरूर लगेगी, जोर से लगेगी। शाहिद कपूर जो कि शाहिद कपूर का बयान आया, शाहिद कपूर ने अभी जस्ट बयान दिया है। अब ये इस तरह की बकवास बहुत सारी चलती रहेगी, रोज हम पर माथे काटने के और नाक काटने की बातें कहलवाने का रोज प्रयास होगा। अब तो सीधा सा इलाज है, फिल्म नहीं लगेगी। शाहिद कपूर बात कर लेंगे, बात बहुत मजबूती से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात का रिजल्ट भी मैं बता चुका हूँ, एकमात्र रास्ता है इस फिल्म का, बंद करो और जौहर की ज्वाला में फेंको। मध्य प्रदेश में फिल्म को बैन किया गया है, पंजाब के सीएम ने भी अभी बयान दिया है कि वो भी सपोर्ट करते हैं कि फिल्म बैन होना चाहिए। आप क्या है? देखिए, अति उत्साह में लोग चले गए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जिनके पास कुछ नहीं था। हमारे पास में लिखित में है, हमारे पास में पूरे एविडेंस है। हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, कल वो कहते कि मैं तो फिल्म दिखा रहा हूँ। तो इसलिए जो टाइम पीरियड वो देना चाह रहा है, हम भी दे रहे हैं। ना तो फिल्म वो दिखा रहा है क्योंकि दाल में कुछ काला है, और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि दाल ही काली है। देखिए, अब करने वाले करते रहे, ये तो जनता की आवाज है। जिसने तय कर दिया पद्मावती का भविष्य, फिल्म पद्मावती नहीं चलेगी। दीपिका को जिंदा जलाने की बात हो रही है, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। देखिए, न तो इस तरह की बात होती है और न कोई समर्थन हम करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई मेरठ में इस देखिए, ये उनका कर्तव्य है, अगर कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है ये उनका काम है, और इस काम में अगर वो बंद कर रहे हैं अच्छी बात है। देखिए, एक स्पष्टीकरण, देखिए 28 जनवरी को आप ही पत्रकार बंधुओं ने इस रणवीर सिंह से पूछा होगा, जिसका जवाब हमारे पास जो कॉपी है वो इंडियन एक्सप्रेस की है। इफ देर विल बी टू इंटीमेट सीन्स विद दीपिका पादुकोण, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द रोल बियॉन्ड दैट। मैं विलेन से नीचा भी कुछ होगा तो वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। हमने उस पर स्पष्टीकरण चाहा था, अब ये बात वहां चली गई। जब हमें अब स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, फिल्म बंद की जानी चाहिए। तो उससे बाद जब हम 12 नवंबर को पिछले साल बंसाली से टाइम लेकर एसएलबी के ऑफिस में मिलने आए थे, तब भी अनुरोध करके गए थे कि मालिक तेरे जचे जैसे बना लिया तू, पर राजस्थान की धरती पर मत आना। आ गया, थप्पड़ खा गया जैसे कोई तोप चल गई हो। फिर उसने लिख के दिया 30 जनवरी को, आज के 10 महीने पहले उसने लिख के दिया कि कोई भी डेवलपमेंट, मैं करनी सेना को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई करूंगा। कर दो, कौन मना कर रहा है? करनी सेना, क्या आपको लगता है कि विश्वासघात हुआ है आपके साथ? अगर संजय लीला भंसाली थे, आपने पहले कहा था, क्या आप तय कर लें 30 जनवरी को क्यों लिख के दिया था उसने कि साहब वो तो आपसे डर गया। अभी पत्रकार बंधु कह रहे थे आप डरे क्या मेरे से, 6 फुट 4 इंच का हूँ, 118 किलो का हूँ, कुछ तो डरते, कम से कम महिलाएं तो डरी जाती। जोशी का कहना, विरोध कीजिए आप भी महिलाओं के सम्मान में, अगर महिला पत्रकार नहीं मैदान में मुझे बहुत दिख होगा। जोशी ने भी इसका विरोध किया कि कुछ लोगों को जो पहले फिल्म जो दिखाई गई, देखिए ये रेगुलर ऑफेंडर है, रोज ऐसा काम करता है, रोज ऐसा काम करता है। कोई घर पर बैठकर आपको दिखाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 को दिखाया 40 को छोड़ दिया, ये तो 40 पत्रकार तय करें कि उनको क्यों नहीं दिखाया। हमको नहीं करना है ये काम। और उसने जो कुछ भी किया, मैंने तो अभी वैदिक जी बीच में छोड़ के चले गए, किस चैनल पे थे कल, किसी चैनल पे थे, वो चैनल छोड़ के चले गए। मैंने कहा वैदिक जी, बिना सेंसर बोर्ड से पास हुए किसी फिल्म को आप बहुत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसे आप सेंसर बोर्ड हैं, अगर उसमें आधे से ज्यादा अगर फिल्म बदल दी तो
उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कोई जवाब नहीं था, मैदान छोड़ के चले गए।